हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लुधियाना की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है नेहरू रोज़ गार्डन। नेहरू रोज़ गार्डन शहर लुधियाना के बीचों बीच एक खूबसूरत लैंडस्केप गार्डन है। यहाँ गार्डन में 17,000 पौधे और 1600 किस्मों के गुलाब पाए जाते हैं। गार्डन में प्रवेश द्वार पर एक खूबसूरत तारमंडल है। यहाँ पर आप नाव, कृत्रिम फूल और एक मिनी चिड़ियाघर का मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर हर साल वार्षिक गुलाब त्यौहार आयोजित किया जाता है जिसमें भारत भर के हजारों पर्यटक आते हैं। नंबर 9 पर है टाइगर सफारी। टाइगर सफारी शहर का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यहाँ पर आपको बाघों के अलावा मोर, खरगोश और अन्य कई जानवर देखने को भी मिलेंगे। यह 25 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यहाँ पर आप बाघों को पूल के नीचे नहाते हुए और झाड़ियों के नीचे सोते हुए भी देख सकते हैं। टाइगर सफारी सर्दियों में सैर करने के लिए एक आदर्श स्थान है। नंबर 8 पर है महाराजा रंजीत सिंह बौर म्यूजियम। महाराजा रंजीत सिंह बौर म्यूजियम पंजाब के साहसी सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है। इस म्यूजियम में कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम में सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, कवच और वर्दी को भी प्रदर्शित किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7 पर है गुरुद्वारा नानकसर जगराओं। गुरुद्वारा नानकसर जगराओं लुधियाना में नानकसर सरोवर के किनारे स्थित है। यहाँ पर अगस्त के 5 दिनों के लिए हर साल एक वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी और गुरु अर्जुन देव जी के शहीद दिवस महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो 13 जनवरी से 17 जनवरी तक बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। नंबर 6 पर है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी म्यूजियम। यह म्यूजियम ग्रामीण पंजाब की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ म्यूजियम में 18वीं शताब्दी के पंजाब के प्राचीन प्रदर्शनों की सूची भी है। इस ऐतिहासिक स्मारक में ऊंट की खाल की 6 परतों से बनी एक दुर्लभ वस्तु भी है। इस म्यूजियम में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे तुम्बा, सारंगी, नगाड़ा आदि रखे हुए हैं। नंबर 5 पर है फिल्लौर फोर्ट। फिल्लौर फोर्ट को महाराजा रंजीत सिंह का किला भी कहते हैं। फिल्लौर फोर्ट को महाराजा रंजीत सिंह के जनरल दीवान मोकम चंद द्वारा डिजाइन किया गया था। इस किले के चारों ओर एक बड़ी सी खाई है जो उसे सैन्य अभियानों के लिए आदर्श बनाती है। इस किले का उपयोग अब पुलिस प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। नंबर 4 पर है हार्डीज वर्ल्ड अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क। यह पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण वाटर थीम पार्क है। इस पार्क में कई तरह की स्लाइड्स, रोलर कोस्टर, हवा में तैरते हुए सुपर बाइक्स, झूलती कुर्सियाँ आदि हैं जो पर्यटकों का मनोरंजन करवाती हैं। यहाँ वाटर पार्क में स्प्रिंकलर, स्पेयर, रेन डांसिंग आदि चीज़ें हैं। हार्डी की दुनिया में आपको कई फूड स्टॉल, स्मारक की दुकानें और एक भूतियाघर जैसी शानदार जगह देखने को मिलेंगी। नंबर 3 पर है गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। यह गुरुद्वारा लुधियाना के जगद्वार ब्रिज के सामने स्थित है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। यह भारत का पहला गुरुद्वारा है जो गुरबाणी को व्यापक स्क्रीनों पर रखता है ताकि भक्त बेहतर तरीके से भजनों को समझ सकें। इस तरह की स्क्रीन विदेशों में गुरुद्वारे में प्रयोग की जाती हैं। नंबर 2 पर है रखवाक पार्क। लुधियाना का रखवाक पार्क बच्चों, जॉगर्स और वॉकर्स के लिए एक पसंदीदा स्थान है। इस पार्क में एक टॉय ट्रेन है जो पार्क के चारों तरफ घूमती रहती है। आप टॉय ट्रेन में बैठकर पार्क के सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। इस पार्क में व्यायाम करने वाली मशीनें भी हैं। पार्क एक शानदार पिकनिक स्पॉट है। और अब नंबर 1 पर है लोधी फोर्ट। लोधी किलो को स्थानीय लोग पुराना किला भी कहते हैं। यह एक भव्य संरचना है जो खराब रखरखाव के कारण अब खंडर में बदल गई है। यह किला कभी सिकंदर लोधी का साम्राज्य हुआ करता था। 500 साल पहले सिकंदर लोधी ने इस किले को बनवाया था। खंडर में तब्दील होने के बाद भी लोग इस किले की भव्यता को देखने आते हैं।